कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही जी, आप क्या सोचने लग पड़े हो? कुछ नहीं। आप रो रहे थे? नहीं तो। हमने जरूर ढूंढ के ले आना पिताजी को। तेरे को छुट्टी मिली? जेबी ने तो दे दी, लेकिन लाला ब्रजमान ने कहलवाया कि नए नए मुलाजिमों को इस तरह छुट्टी ना दी जाए। ये रोशन आ गया अपने करोड़पति बेटी को मिलके? इस रोशन के लिए तो करोड़पति की बेटी ढूंढना पिताजी को ढूंढने से ज्यादा जरूरी हो गया है। मैंने आप चले जाना अंबाले आज रात की गाड़ी से। जेबी ने तो छुट्टी दे ही दी है। इस तरह नौकरी को खतरे में मत डाल पुत्र। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा है रोशन बेवकूफ पर। कोई जरूरी था आज ही सेन गुप्ता के यहाँ जाना? कहता था मेरा फ्यूचर का सवाल है। पर तेरा फ्यूचर एक आध दिन टल नहीं सकता? और बद्दुआ मत दे बिरादर, रोशन का फ्यूचर रज के टल गया। मोहब्बत कर क्या भी? चुप है मोहब्बत के बच्चे। एक तो वैसे ही बड़ा बेआबरू होकर करोड़पति के कूचे से निकला हूं, उस पर तू बड़ी बेदौलत और मार रहा है। बेआबरू कैसे? माता जी, आप गया दरबार में घुसने ही नहीं दिया। फोन किया तो सेक्रेटरी ने बात नहीं कराई, दरवाजे पे धरना देके बैठ गया कि साहब की गाड़ी निकलेगी सलाम मारूंगा, और साहब की गाड़ी धक्का मारती निकल गई। तेरे साथ तो इसी तरह होना चाहिए। छुट्टी मंजूर हो गई? तेरे से मतलब? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब प्राजी अपने सरकारी रसूख से इधर उधर पता कर ही रहे हैं तो अभी जाके क्या फायदा, कोई सुराग मिले तो जाएं। तू जाकर सेन गुप्ता की ड्योढ़ी में बैठ जा, वहीं मिलना है सुराग। माता जी, पिताजी की कोई बात की तस्वीर हो तो दे दो। तस्वीर तो एक है। लेकिन पुत्र, अगर लाला विश्वा ने तेरी अर्जी मंजूर नहीं की तो तू मत जा। जेबी ने मंजूर कर दी, बहुत है। मालिकों को नाराज करने में नुकसान है। सत्य, लाला विश्वा को नाराज करने में ही फायदा है। सत्य, तू तो इस जेबी को अपनी जेब में रख। मैंने तेरे से कोई सलाह मांगी नहीं ना? फिर ना तो मेरे कंधे पे हाथ रखा कर, ना मुझसे ज्यादा बात करा कर, समझा? माता जी, आप मेरे लिए रोटी बांध दो। तू ना जा सत, मैंने रोशन को भेज देना है। नाराज मत हो बिरादर, मैं चला जाऊंगा। मेरे को तो इस पे कोई भरोसा नहीं, मैंने आप ही जाना है। अच्छा देख, इकट्ठे चलते हैं दोनों। माता जी, अब आप तो फटाफट ये स्वेटर बुनो। इधर आपने ये पूरा करना है, उधर हमने पिताजी को ले आना है। याद रख पुत्र, तेरे को भी वादे का पक्का समझा जाता है। मैंने ये वादा जरूर पूरा करना है, जरूर। बादशाह, यहां पर क्यों आते हो? अंबाला कैंप में बिल्कुल जगह नहीं। हमें तो कुछ पूछताछ करनी है। सच? इन्हें फोटो दिखा। हाँ जी, ये हमारे पिताजी मास्टर हवेली राम की फोटो है। ये आपके कैंप में तो नहीं है? हवेली राम जी के बारे में पहले भी दिल्ली से इंक्वायरी आई थी, हमने लिख दिया अंबाला कैंप में नहीं है। फोटो देखिए, शायद कुछ पहचान में आए। इस तरह का आदमी कहीं देखा तो था? कहाँ? याद नहीं पड़ता। थोड़ा सोचिए, शायद याद आ जाए। माफी चाहता हूँ जी, मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। अरे सुनो सुनो, गए? चलो कोई नहीं, अगले ने भी ये जानकर क्या कर लेना था कि इस बंदे को मैंने मरघट पे देखा है।
और वो भी थोड़ी कोई अभी वहां बैठा होगा। को तेरी कोई बात समझ में नहीं आती। जबरदस्ती अंबाला से लुधियाना ले आया, अब नई पुरानी लिस्टें छानता ही चला जा रहा है। देख लभाई राम का नाम मिल गया, देख यहाँ आया था फिर यहाँ से दिल्ली गया। मेरी बलात्कार से जहन्नुम गया। हम लोग लभाई राम को ढूंढने आए कि पिताजी को। इसी तरह किसी लिस्ट में पिताजी का नाम मिल जाना है, लेकिन अब जलंधर। नहीं जी, मेरे देखने में ऐसा कोई बंदा नहीं है। क्या मैं आपकी लिस्टें देख सकता हूँ? शौक से। वैसे क्या नाम बताया आपने? जी मास्टर हवेली राम, बच्चों वाली गली लाहौर। ये वो तो नहीं है आर्य समाजी? हाँ जी हाँ। या है क्या? वो आप तो नहीं है, उनकी पहचान वाला था, कई बार जिक्र करता था, मुंशी खजांचन। मुंशी खजानचंद, वल दीवानचंद, इनके बचे 10, फिर भी नहीं बस। क्योंकि भरे तभी मन जब हो दर्जन। छोटे लाट के छोटे लाटो, छोटा लाट आप किधर है? पिताजी तो लाहौर से लापता हैं। ग्वाल मंदी गए थे ताया जी की सुख शांत पूछने के लिए। वहां से कैंप में आने की बजाय विच्छवाली चले गए। बाद में घर के तहखाने में उनका चश्मा मिला, उनकी छड़ी मिली और खून के चंदक पे। वैसे माता जी को पूरा यकीन है कि वो जिंदा है? बिल्कुल सही यकीन है जी, मैंने आप अपनी आंखों से छोटे लाट को देखा है। जी किधर? अमृतसर स्टेशन पर पठानकोट की गाड़ी में बैठे थे। आपकी उनसे बात हुई? मैं इधर आती गड्डी में बैठा था और वो उधर जाती गड्डी में। जब तक मैं छोटे लाट पुकारता हूँ उसके पास तक पहुंचू, कहीं बाबू ने सीटी दे दी। कोई बात ही नहीं हो सकी। मैंने पूछा कि छोटे लाट किधर चला, वो बोला अग्नि देने के वास्ते। मैंने तो अभी तक ये समझा था कि तुम लोग जम्मू शम्मू में हो। हम लोग तो दिल्ली में हैं, पिताजी को छोड़ सब वहीं पहुंच गए। वो भी मिल जाने हैं, मेरे तो सारे बच्चे इधर उधर हो गए थे, लेकिन ढूंढने पर सब मिल गए। ओ कुलवंत पुत्र, लस्सी लुसी भेज फटाफट। नहीं मुंशी जी, अब हम चलेंगे, पिताजी को जम्मू में ढूंढेंगे। बारी बाहर से कैसे चले जाओगे? अपना सुलखड़ा पैर गरीबों के घर में भी डालो, फिर पलट के मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। बात यह है जी, ये तस्वीर बहुत खराब है। तो मैं ये भी तो दावे के साथ नहीं कह सकता कि इस शक्ल का आदमी हमारे कैंप में है। हाँ,
ये एक हवेली राम जरूर है। मास्टर हवेली राम? अगला तो अपने आप को प्रोफेसर बताता है फिलोसॉफी का। तो जरा मिलवा दीजिए। हाँ जरूर मिलवा देंगे, चलिए चलिए। हवेली राम जी, हवेली राम जी, आपसे कोई मिलने आए हैं? कौन है? ये तो पिताजी नहीं। कौन कौन नहीं है, सब में एक, एक में सब। बात ये है जी कि ये बच्चे अपने पिताजी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढने का नाम ही जिंदगी है, पाने का मौत। ना आराम है ना पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। छोटे लाट सबसे बड़ा लाट। पिताजी, पुत्र जी, पिलाते हो नहीं और फालतू में पिताजी बनाते हो, तो ये बड़ी नाइंसाफी वाली बात है। बताओ मेरा नाम क्या है? तेरा नाम प्याला, मेरा नाम प्यासा। एक पिला, फिर मैंने तेरे को सबूत दे देना है तेरे पिताजी होने का, और जो कहीं तूने पिला दिए तो मैंने तेरे को तेरे दादा होने का सबूत भी दे देना है। चल मंगा ले फटाफट। किस तरह की बातें करने लग पड़ा है? जब पिताजी को खोजने आए हैं तो पूरी तरह खोज करके ही लौटना होगा। बात मान पुत्र, यहाँ से श्रीनगर तक और देखते चलते हैं। पिताजी ने तो मिलना नहीं है, उल्टे सीधे लोगों से ही पाला पड़ना है। ना, पिताजी ने जरूर मिल जाना है तेरे पुत्र। ये मुंशी की आंखें कभी तो खा नहीं खा सकती। छोटे लाट को पठानकोट वाली गड्डी में आप बैठे देखा है मैंने, तब वो कह रहा था कि अग्नि देने के वास्ते जा रहा हूं। अब ऐसी जबान तो छोटा लाट ही बोलता था। मैंने कहा कहीं आप मरगट बाबा को तो नहीं ढूंढ रहे? वो भी कहता था कि अग्नि देने जा रहा हूं। उनका हुलिया क्या इस तरह का था? बिल्कुल। आप इस मरगट बाबा को जानते हो? उसे कौन नहीं जानता, कोई भी अर्थी जा रही हो वो भी मुर्दा फूकने के वास्ते आ जाता है। ये मरगट बाबा कहाँ मिलेगा? एक मिनट भैया, मरगट बाबा किधर होंगे? उधर। बाबा जी, ये तो सोया पड़ा है शायद। बाबा जी, कौन है बे हमारी साधना बंद करने वाला? जी माफी चाहते हैं जी, हम मरगट बाबा को ढूंढ रहे हैं। मर गया तू मेरा मरगट बाबा? गुस्सा थूक दो जी महाराज, ये बच्चे उसी बाबा के बेटे हैं। जरा हमें बता दो जी कि वो कहाँ मिलने? स्वर्ग में या नरक में, और बिना मरे तुम्हें मिलना नहीं है। जाओ तुम भी उसकी तरह पीछे वाली पारी पर चढ़ के गिर पड़ो नीचे बहती हुई नदी में।
स्वेटर तो पूरा हो गया मास्टर जी। माता जी। अरे आ गए पुत्र। गरीब बंदा माता जी, चरंद्र में हमारे मुंशी जी। मुंशी जी तेरे पोना सिंगेरा पुत्र साई जी सदा स्वागत है। सतबीर तू भीतर क्यों नहीं आ रहा? मैंने स्वेटर पूरा कर दिया। कुछ वादा करके गया था पुत्र सतबीर। माता जी मैंने बहुत ढूंढा, एक सहाय को ढूंढा, आखिर में लोगों ने कह दिया कि वो साया उस साहब से मटके खो गया। रोशन ये सतबीर क्या कह रहा है पुत्र? आपको पता है मुंशी जी? बात ये है जी के मैंने छोटे लाड जैसा एक बंदा पठानकोट वाली गड्डी में बैठा देखा था। उसे खोजते खोजते हम लोग जम्मू से भी बहुत आगे निकल गए। वहां हमें किसी ने बताया वो बंदा शायद पहाड़ी चोटी से नदी में गिर गया। नहीं, उस बंदे का चोला पहाड़ी चोटी पर उसी जगह पर मिला जहां वो रोज संध्या करने जाता था। उस चोले में वो कोट भी था जी, पिताजी को कोट। मुंशी जी चुप कराओ इस बेवकूफ को। आपने मुझे आशीर्वाद दिया है सुहागन होने का, वो इस तरह है जी कि किसी ने छोटे लाड को पहाड़ी से नीचे गिरते तो देखा नहीं। ये भी जरूरी नहीं है कि पहाड़ी से नीचे गिरा ही हो, अपनी मस्ती में कहीं आगे चला गया होगा। हम आगे जाकर ढूंढने की कोशिश करना चाहते थे मगर कश्मीर में लड़ाई शुरू हो गई, फौजी ने हमें जाने ही नहीं दिया। लड़ाई खत्म हो जाए फिर जाके टूट लेने। पिताजी अगर आ भी गए होते तो उन्हें फौजियों ने पकड़ लेना था। फौजियों ने आपका किस तरह का कोई बंदा नहीं आया। बंद कर ये सियापा, वो तेरी तरह वादे के कच्चे नहीं है, सुना? रोशन मुंशी जी के लिए कुछ ले आ पुत्र। नहीं इस वक्त कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसी नहीं है मुंशी जी, ले जा। कितना भी स्वांग रच लो मास्टर जी, मेरी उम्मीदों में हमेशा जिंदा रहने हो, हमेशा।
इसको यहाँ बुलाने की दरकार क्या थी? Where is now? I can't see him. I'm sorry, sir. Sorry कहकर तुमने कोई ऐसा नहीं किया. Sorry तुमको कहना चाहिए. Because this is my personal bathroom. Sir, sir, मेरे को चक्कर सा आ गया. चक्कर सा आ गया तो दवाखाना जाते? अब मैं वहीं जा रहा हूँ.